हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आप सभी देख रहे हैं आर्ट कॉकटेल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। अभी जन्माष्टमी गई है और जन्माष्टमी की काफ़ी सारी क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं कि हमने कैसे अपने इवेंट को सेलिब्रेट किया और कैसे अपने इवेंट को बहुत ही ग्रैंड बनाया। सबने मिलकर के काम किया और बहुत ही अच्छे से इस फेस्टिवल को हमने सेलिब्रेट किया है। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई इस पूरे इवेंट की। तो डेकोरेशन की वीडियो मैं आपके साथ में शूट करके शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन इस इवेंट की पिक्चर्स मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए आइए, मैं आपको दिखाऊँगी ये इवेंट को हमने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, किस तरीके से सेलिब्रेट किया। काफ़ी सारे डिशेस भी हमने बनाए थे और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हम लोगों ने किया था। मैंने मीशो से भी काफ़ी सारी ऑर्डर्स की थी जिसमें से कुछ ऑर्डर्स मुझे रिसीव हो गई जिससे कि मैंने अपने डेकोरेशन में लगा दिया और कुछ डेकोरेशंस मुझे रिसीव नहीं हुई। जैसे कृष्ण जन्म की भी पूरी डेकोरेशन मैंने मीशो से बाय की थी बट मुझे वो कल रिसीव हुई है और जन्माष्टमी के लिए वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, हमारे सेलिब्रेशन के 2 दिन के बाद हमें रिसीव हुई है। चलिए आइए, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कुछ पिक्चर्स की हम लोगों ने कैसे ये सेलिब्रेशन किया और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने आगे के फेस्टिवल्स को शूट कर पाऊँ, आपके साथ में अपना व्लॉग शेयर कर पाऊँ। अभी तीज आने वाली है, मैं होप करूँगी कि तीज में सब सही रहे और मैं पूरी तीज को कवर कर पाऊँ। उसके बाद गणेश पूजा आएगी, मैं चाहूँगी गणेश पूजा के लिए मैं एक आर्टवर्क बनाऊँ। चलिए आइए, अभी मैं अपने पिक्चर्स आपके साथ में शेयर करूँगी। आप सभी को मेरी सेलिब्रेशन कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए आइए, अपने पिक्चर्स को मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। Thank you.